चलो तो अब क्या करते हैं हम लोग, एक एक करके रोल देखते हैं डीआरजी और जीआरजी का पहले, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये है पॉन्स, अभी बताया था, और ये है मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। तो अभी बताओ, मैंने दो सेंटर बताए थे किसमें, अभी मैंने दो सेंटर बताए थे पॉन्स में, दो बताए थे मेडुला ऑब्लॉन्गाटा में, तो दो जो बताए थे पॉन्स में वो कौन कौन से थे? न्यूरोटेक्सिक सेंटर था और एपिनेस्टिक एपिनिस्टिक सेंटर। सेंटर, तो ये हो गया न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। ये हो गया न्यूमो टैक्सिक सेंटर, और ये हो गया एपिनिस्टिक सेंटर। एपिनिस्टिक सेंटर, और दो बताए थे अभी किसमें, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा में, तो इसमें दो कौन से बताए थे? डीआरजी और बीआरजी। ये हो गया डीआरजी, और ये नीचे हो गया वीआरजी, ये वीआरजी। चलो ठीक है, अब देखते हैं कि कहां कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। ये है डीआरजी, ये भी डीआरजी, और ये है वीआरजी। अब क्या है, याद करो हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, कौन कौन से मसल्स हैं, आप बोल सकते हो? एक डायफ्राम का रेडियल मसल याद करो, ये डायफ्राम हो गया रेडियल मसल। अच्छा, इसके अलावा रिब्स के दो मसल का नाम बताओ जो रिब्स में होते हैं। रिब्स में बाहर से और अंदर से, इंटरकॉस्टल और इंटरकॉस्टल में दो, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल ईआईसीएम और इंटरनल एक इंटरकॉस्टल। आईआईसीएम। इसके अलावा एक और मसल है जो रेस्पिरेशन में भाग लेता बताओ, एब्डोमिनल मसल, ठीक है। तो ये है मसल, इन्हीं मसल को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए मैसेज आता है, तो होता है ब्रीदिंग। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डीआरजी के पास केवल और केवल इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स होता है, डीआरजी के पास केवल इंस्पायरेटरी न्यूरॉन होता है। तो देखो कैसे निकला होता है वो इंस्पायरेटरी न्यूरॉन, ये देखो, ये देखो, डीआरजी से एक इंस्पायरेटरी न्यूरॉन कहाँ गया, डायफ्राम के पास, और डीआरजी से और इंस्पेक्टर कहाँ गया, ईआईसीएम के पास। इसको मैं प्लस से लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये इंपल्स भेजने वाला है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स, ठीक है। लिख देता हूं यहां पे इंस्पायरेटरी न्यूरॉन, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन जो कहां से कहां गया, डीआरजी से डायफ्राम, ये भी क्या है इंस्पायरेटरी न्यूरॉन, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन जो कहां से कहां गया, डीआरजी से डायफ्राम और ईआईसी। सिंपल है, अब तो समझ ही चुके होंगे क्या होने वाला है। इंस्पायरेटरी न्यूरॉन से इंपल्स 2 सेकंड के लिए जाता होगा डायफ्राम और ईआईसी को, तो बोलो क्या होता होगा 2 सेकंड के लिए, इंस्पायरेशन। फिर इंस्पायरेशन अगले 3 सेकंड के लिए डीआरजी इस इंस्पायरेटरी न्यूरॉन से इंपल्स भेजना बंद करता होगा 3 सेकंड के लिए, तो फिर 3 सेकंड के लिए क्या होता होगा, इंपल्स नहीं आ रहा है इंस्पायरेशन तो एक्सपायरेशन। यानी कि 2 सेकंड के लिए जब डायफ्राम या इसम को इंपल्स आया, तो 2 सेकंड के लिए डायफ्राम का रेडियल मसल और इसम कॉन्ट्रैक्ट किया, और पहले पढ़ा चुका हूं कि ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इंस्पायरेशन होता है, कैसे होता है पढ़ा चुका हूं, पूरा थोड़ी सी वॉल्यूम को चेंज करके पल्मोनरी वॉल्यूम को हम चेंज करते हैं, इंस्पायरेशन हो जाएगा 2 सेकंड में, फिर इंपल्स आना बंद हो जाएगा तो मसल अपने आप रिलैक्स हो जाएगा, मसल रिलैक्स हो जाएगा तो एक्सपायरेशन हो जाएगा, मैकेनिज्म आपको पहले से पता है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में तो डीआरजी ऐसा ही रोल प्ले कर रहा है, और नॉर्मल ब्रीदिंग और डीआरजी के पास पे जितना ही न्यूरॉन है बस, और कुछ नहीं है। अब आते हैं किस पे, वीआरजी पे। अब वीआरजी क्या करता है, मैंने बोला कि ये फोर्सफुल ब्रीदिंग में काम आता है, तो भैया फोर्सफुल ब्रीदिंग में मैंने बोला डीआरजी के साथ साथ वीआरजी का भी रोल है, देखेंगे कैसे, रुक जाओ। पहले तो वीआरजी से 2 इंस्पायरेटरी न्यूरॉन है और 2 एक्सपायरेटरी न्यूरॉन है। चलो मुझे एक इतना बता दो, मुझे इतना बता दो कि फोर्सफुल ब्रीदिंग में
फोर्सफुल ब्रीदिंग में फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कौन कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं, पहले ये बताओ जल्दी से। कॉन्ट्रैक्शन, इंस्पायरेशन में डायफ्राम और ईआईसीएम, यही ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा जी? यस सर। और एक्सपायरेशन में दो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन में, कौन? एब्डोमिनल और आईसीएम और एब्डोमिनल मसल। और सुनना ध्यान से, जब बात आई है फोर्सफुल ब्रीदिंग की, तो डायफ्राम और ईआईसीएम जितना कॉन्ट्रैक्ट करता था उतना तो करेगा ही, और उतना वो डीआरजी के मैसेज से कॉन्ट्रैक्ट करता था। इसके अलावा उसको वीआरजी भी मैसेज भेज देगा, थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। याद आया वो मैकेनिज्म? मैंने कहता था कि वो थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, इसके लिए मैसेज आता है। तो डीआरजी ने जितना इंपल्स भेजा है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उतना कॉन्ट्रैक्ट तो उसको होना ही है, लेकिन इसके अलावा वीआरजी भी मैसेज भेज दिया कि थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, तो थोड़ा और कॉन्ट्रैक्शन हो गया। लेकिन याद करो, रिलैक्सेशन के लिए तो ये दोनों मसल जितना रिलैक्स होना है उतना ही होगा ना, रिलैक्सेशन तो जितना होना है उतना ही होना है, तो फिर फोर्सफुल एक्सपायरेशन कैसे करें? तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और इसको मैसेज आता है वीआरजी से, और ये मैकेनिज्म मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, बस याद दिला रहा हूँ। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वीआरजी है वहां से इंस्पायरेशन के दौरान जो मैसेज आता है वो आता है डायफ्राम और किसको, ईआईसीएम को। कैसा मैसेज आता है भाई? प्लस। कौन सा न्यूरॉन है ये, इंस्पायरेटरी या एक्सपायरेटरी? इंस्पायरेटरी। इंस्पायरेटरी न्यूरॉन ऑफ व्हाट, वीआरजी, ये भी है इंस्पायरेटरी न्यूरॉन, ठीक है। लेकिन इसके अलावा वीआरजी से एक्सपायरेटरी न्यूरॉन भी आता है, और वो किसको आता है, ईआईसीएम और एब्डोमिनल मसल। तो इसको मैसेज कैसा आ रहा है? मैसेज तो आ रहा है इंपल्स के लिए, लेकिन मैं यहां माइनस लगा रहा हूं, इस माइनस का मतलब समझ रहे हो, एक्सपायरेटरी न्यूरॉन लिख देता है यहां पे, एक्सपायरेटरी न्यूरॉन, ये भी क्या है, एक्सपायरेटरी न्यूरॉन। तो बोलो डीआरजी और वीआरजी का रोल क्लियर होगा। अब आप देख लो, जब नॉर्मल ब्रीदिंग करना है तब तो इंस्पायरेटरी न्यूरॉन डीआरजी से आ रहा है इंपल्स लेके डायफ्राम ईआईसीएम को, वो सफिशियंट है, दो सेकंड के लिए इंस्पायरेशन, तीन सेकंड के लिए एक्सपायरेशन, चल रहा है नॉर्मल ब्रीदिंग। और जब फोर्सफुल ब्रीदिंग करना है तो फोर्सफुल ब्रीदिंग जो आप कर रहे हो, फोर्सफुल ब्रीदिंग, तो फोर्सफुल ब्रीदिंग में डीआरजी और वीआरजी दोनों मिलकर रोल प्ले करेगा। तो डीआरजी से तो जितना मैसेज नॉर्मल आना था वो तो आ ही रहा है, इसके अलावा आपने चाहा फोर्सफुल ब्रीदिंग करना है तो फोर्सफुल ब्रीदिंग के लिए डीआरजी के अलावा वीआरजी भी मैसेज भेज देगा डायफ्राम ईआईसीएम को, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उसमें। और फिर जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए एक्सपायरेटरी न्यूरॉन आया हुआ आईआईसीएम और ई एब्डोमिनल मसल को, क्योंकि डायफ्राम ईआईसीएम नॉर्मल रिलैक्सेशन तो कर ही लेगा, इसके अलावा हमको अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है तो उसके लिए आईआईसीएम और एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, मैकेनिज्म आपको पहले ही पढ़ा रखा। बोलो डीआरजी वीआरजी का रोल प्ले क्लियर हो गया? Yes, sir. अब चलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपिगेस्टिक सेंटर, ठीक है। तो देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर के चारों ओर क्या होता है, कुछ कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। अब मैं उस कीमोरिसेप्टर का नाम दे रहा हूं, एंड दैट इज द कीमोसेंसिटिव एरिया। इसका क्या नाम है? कीमोसेंसिटिव एरिया, कीमोसेंसिटिव एरिया, ठीक है जी। देखते हैं क्या करेगा, चलो। अब इसके अलावा अब मैं आपको पहले वो बॉडी के पेरिफेरल रिसेप्टर भी बता देता हूं कि वो कहां होता है। ये तो कीमोरिसेप्टर कौन से हो गए, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, और मैं लिख देता हूं ये क्या है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, सेंट्रल सिस्टम में। इसके अलावा पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर भी होता है, वो कहां होता है अदर देखते हैं। वो होता है जो हमारा, जैसे कि मान लो ये हार्ट है, याद करो हार्ट का स्ट्रक्चर पता रखा है, तो यहां से जो डॉर्सल आउटा निकलता है, याद करो
फिर इस आउटा से कई सारा आर्टरी निकलता है, कई सारा घना सारा अगर याद हो, तो इसी में से एक आर्टरी जाता है ब्रेन को। ब्रेन को जो आर्टरी जाता है उसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको? कैरोटिड आर्टरी। ये कैरोटिड आर्टरी एक लेफ्ट ब्रेन की तरफ जाता है, लेफ्ट पार्ट की तरफ, एक राइट पार्ट की तरफ, यानी कि इसका दो बाइफरकेशन है, एक लेफ्ट एंड राइट कैरोटिड आर्टरी। तो जहां से ये डिवीजन इसका हो रहा है कैरोटिड आर्टरी का, वहीं पर कैरोटिड आर्टरी के जहां पर उसका डिवीजन हो रहा है वहीं पर लगा होता है कुछ कीमोरिसेप्टर, एंड दैट आर कॉल्ड एज कैरोटिड बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज कैरोटिड बॉडी। एक तो वहां हो गया कैरोटिड बॉडी हो गया, इसके अलावा ये क्या था? डोर्सल ओटा, अभी बताया था ये क्या है, डोर्सल ओटा। डोर्सल ओटा, डोर्सल ओटा में भी रिसेप्टर है, एंड दीज रिसेप्टर आर कॉल्ड एज, यहां देखो ये रिसेप्टर है, दीज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज ओटिक बॉडी, दीज आर कॉल्ड एज ओटिक बॉडी। और सुन लो कान खोल के, ओटिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी, इन दोनों से डायरेक्ट न्यूरॉन आया है डीआरजी को, डायरेक्ट न्यूरॉन आया है किसको? डीआरजी को। और पता है न्यूरॉन का नाम भी बता देता हूं, ये जो न्यूरॉन है ना, ये जो जा रहा है, दिस इज वेगस नर्व, ये वेगस नर्व है, उसी की ब्रांचिंग है, याद आ रहा है 10th क्रेनियल नर्व वेगस, yes, उसी की ब्रांचिंग है। ये जो कैरोटिड है, कैरोटिड से जो आ रहा है नर्व, दिस इज ग्लेसो फेरिंजियल, इसका भी नाम याद आ रहा होगा, ग्लेसो फेरिंजियल नर्व। तो याद रहे जो ये दोनों कैरोटिड और ओटिक बॉडी है, बॉडी के सेंटर पे है, मतलब सेंटर नर्व सिस्टम का पार्ट है या फिर उससे अवे है, उससे अवे है, और बॉडी के सेंटर पे भी ये नहीं है, क्योंकि जो आर्टरी ओटा निकला हुआ है वो तो हार्ट से बाहर नहीं निकल गया, वो तो पेरिफेरी पे चला गया। तो दिस कैरोटिक बॉडी एंड ओटिक बॉडी टुगेदर नॉन एज पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, एंड दीज आर कॉल्ड एज सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। अब देखते हैं रोल, रोल देखते हैं, पहले देखते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर का क्या होता है। जब ब्रेन में ब्लड गया, और ब्रेन में ब्लड गया और उस ब्लड में अगर पीओ मतलब कि ऑक्सीजन कम है और CO2 ज्यादा है, तो मुझे बता CO2 ज्यादा है तो पीएच ज्यादा कि कम? ज्यादा, ज्यादा है CO2 ज्यादा तो पीएच ज्यादा, बताओ पीएच कम, एसिड हुआ सॉरी, तो CO2 ज्यादा तो H+ कंसंट्रेशन ज्यादा और पीएच कम। और मैं बता दूं ये जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है ये आपके H+ कंसंट्रेशन एंड CO2 कंसंट्रेशन के लिए हाईली हाईली सेंसिटिव होता है, लेकिन ये O2 कंसंट्रेशन के लिए सेंसिटिव नहीं होता है। H+ कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी बढ़ेगा सेंस कर लेगा, CO2 बढ़ेगा सेंस कर लेगा, क्योंकि CO2 बढ़ेगा तो H+ बढ़ेगा। मेनली दिस सेंट्रल कीमोरिसेप्टर आर सेंसिटिव टू सेंस द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन आर्टेरियल ब्लड जो कि गया है ब्रेन में। अगर उसमें H+ कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो तुरंत इंपल्स देता है किसको? न्यूमोटैक्सिक सेंटर को। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर तुरंत इंपल्स किसको भेजेगा? जल्दी बोलो, न्यूमोटैक्सिक सेंटर किसको तुरंत भेजेगा इंपल्स? बता रखा पहले डीआरजी, डीआरजी को। अब समझ में आया न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैसे रेगुलेट करता है? तो बॉडी में O2 कम हो गया, मतलब CO2 ज्यादा है, CO2 ज्यादा है, H+ ज्यादा है, H+ ज्यादा है, कीमोरिसेप्टर को सेंस करेगा। इस H+ ज्यादा को कीमोरिसेप्टर ही सेंस करेगा। H+ ज्यादा है मतलब ब्रीदिंग रेट बढ़ाने की जरूरत है, ब्रीदिंग रेट बढ़ाएंगे एक्सलेशन होगा, CO2 निकलेगा ज्यादा, इनहेलेशन होगा ज्यादा तो O2 आएगा ज्यादा। तो कीमोरिसेप्टर बोला न्यूमोटैक्सिक सेंटर को, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने बोला डीआरजी को, और डीआरजी ने क्या किया होगा जल्दी बताओ? डीआरजी जो ये इंपल्स भेज रहा है स्पाइनल न्यूरॉन के द्वारा किसको? डायफ्राम को, दो सेकंड में। अब वो दो सेकंड में भेजेगा कि लेस देन दो सेकंड? लेस देन दो सेकंड। तो अगर लेस देन दो सेकंड में, तो पर मिनट टाइम में अगर इंस्पायरेशन ज्यादा होगा तो एक्सपायरेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि इंस्पायरेशन अगर उससे कम समय में कर लिए तो देखो एक्सपायरेशन तीन सेकंड में ही हो रहा है, लेकिन एक मिनट में इंस्पायरेशन अगर ज्यादा बार हो रहा है तो एक्सपायरेशन का भी
संख्या बढ़ जाएगा और ओवरऑल ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। तो न्यूमोटेक्स सेंटर भी ऐसा नहीं है कि पागल है जमन तब बोल देगा डीआरजी को, उसको बोलता है कौन, कीमोरिसेप्टर। कौन सा कीमोरिसेप्टर? सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। ध्यान रहे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर O2 के लिए सेंसिटिव नहीं है, इसलिए O2 का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है ब्रीदिंग के रेगुलेशन में। रोल CO2 का, रोल CO2 का, ठीक है। अब आते हैं किस पे, कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी। दिस कैरोटिड बॉडी एओर्टिक बॉडी दैट इज टुगेदर नोन एज पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। दीज आर सेंसिटिव फॉर O2 कंसंट्रेशन, दीज आर सेंसिटिव फॉर CO2 कंसंट्रेशन एंड दीज आर ऑल्सो सेंसिटिव फॉर H+ आयन। तीनों के लिए सेंसिटिव है, PO2, PCO2, H+ कंसंट्रेशन। बट दिस कैरोटिड बॉडी एंड एओर्टिक बॉडी आर मेनली सेंसिटिव फॉर O2 मेनली। बट मैं आपको बता दूं, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर में मेन जो रोल प्ले करने वाला है वो है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर का उतना रोल प्ले नहीं होता है जितना सेंट्रल का होता है। तो अब क्या होता है कि जब इन लोगों ने पहचान लिया कि PO2 कम है और H+ ज्यादा है, CO2 ज्यादा है, तो इन लोगों ने डायरेक्ट किसको भेजा इंपल्स, डायरेक्ट, डायरेक्ट किसको भेजा, ये इसमें प्लस मत लगाओ, ये स्पेटिंग रन थोड़ी है। इन लोगों ने डायरेक्ट को भेजा इंपल्स DRG को, देख लो DRG को आया है डायरेक्ट। और DRG ने फिर क्या किया होगा, वही इंस्पायरेशन की रेट 2 सेकंड से, मतलब इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन 2 सेकंड से कम, पर टाइम में ज्यादा इंस्पायरेशन तो ज्यादा एक्सपायरेशन, तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर रोल प्ले करता है और इस तरीके से आपका सेंट्रल कीमोरिसेप्टर और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर भी रोल प्ले करता है। सभी रिसेप्टर आपके इसमें इंक्लूड हो गए इस डायग्राम में। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो खेला हो गया आपका, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब रही बात एपिलेप्सी सेंटर की, तो मैं पहले बता चुका हूं एपिलेप्सी सेंटर DRG को तभी इंपल्स भेजेगा इनवॉलंटरली जब जो है अचानक से डीप इनहेलेशन कराना है, तो एपिलेप्सी सेंटर से मैसेज आएगा किसको, DRG को। क्लियर? तो ये रहा। अब रही बात कि VRG को कौन बोलेगा कि फोर्सफुल ब्रीदिंग कराना है, VRG को कौन बोलेगा फोर्सफुल ब्रीदिंग कराना है, तो ये वॉलंटरी है। अब क्या वॉलंटरी है कि जब आपने चाहा कि हमको दम लगा के सांस लेना है, इंस्पायरेशन करना है, दम लगा के अगर सांस लेना है तो VRG बस एक बार दम लगा के सांस ले तो ले, एक बार आप दम लगा के सांस ले लो, उसका दम लगा के सांस आप चाहो या ना चाहो छोड़ना तो पड़ेगा ही, चाहो या ना चाहो। अगर आपने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया है तो आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन ना चाहे बिना भी कर देते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि दिस फिनोमिना इस इनवॉलंटरी और वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना पड़ जाता है। तो ये रहा पूरा का पूरा DRG, VRG, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपिलेप्सी सेंटर का रूल, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, एक रिफ्लेक्स की बात बताता हूं। रिफ्लेक्स दैट इज कॉल्ड एज ब्रर रिफ्लेक्स, ब्रर रिफ्लेक्स साइंटिस्ट के नाम पे। ये मान लो क्या आपका जो, अच्छा नोट्स में एक गलती है यहाँ पे, सही कर लेना। आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल, क्या बोला मैंने, टर्मिनल ब्रोंकियोल और फिर लास्ट में एल्वियोलाय, ठीक है। तो ये मान लो टर्मिनल ब्रोंकियोल है और फिर आपको पता है कि लास्ट में वो कैसे कैसे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, फिर फाइनली ऐसे ऐसे लास्ट में एल्वियोलाय दिखा दे रहा हूं, ठीक है, चलेगा। इस टर्मिनल ब्रोंकियोल और एल्वियोलाय के पास कुछ रिसेप्टर होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेच रिसेप्टर। बच्चा यहां से न्यूरॉन गया है डायरेक्ट DRG को, कहा डायरेक्ट DRG को, एंड दीज आर ऑल्सो द ब्रांच ऑफ वेगस, दीज आर ऑल्सो ब्रांच ऑफ वेगस। अब सुना क्या होगा, मान लो एयर आता जा रहा है, इनहेल होता जा रहा है और एक्सेल हो ही नहीं रहा है, और एयर का यूटिलाइजेशन भी उतना नहीं हो रहा है, होगा भी कहां, इनहेल करते जा रहे हो एक्सेल कर ही नहीं रहे हो। तो मुझे जल्दी से बता दो ये टर्मिनल ब्रोंकियोल और एल्वियोलाय ये डायलेट करेगी कि नहीं करेगी, yes, sir. जब ये डायलेट करेगी स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव हो जाएगा, नाम ही है उसका, स्ट्रेचन पर वो एक्टिव होगा। जैसे डायलेट करेगी स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव, और जैसे स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव वहां से वेगस नर्व से मैसेज किसको जाएगा, किसको जाएगा,
डीआरजी को, और डीआरजी को क्या बोला जाएगा, जल्दी बोलो, डीआरजी को बोला जाएगा इंस्पायरेशन रोक दो। क्या बोला जाएगा? इंस्पायरेशन एकदम से रोक दो। और जब इंस्पायरेशन रोक दिया जाएगा तो मुझे जल्दी से बता दो, एक्सपायरेशन होगा तो जो एयर एक्स्ट्रा अंदर आया वो बाहर भी निकलेगा और उस समय सेल भी कुछ यूटिलाइज कर लेगा और ये एल्वियोलर इफेक्ट नहीं से बच जाएगा। तो मुझे जल्दी से बता दो, ये जो ब्रर रिफ्लेक्स है, ये जो ब्रर रिफ्लेक्स है, ये ब्रर रिफ्लेक्स एक्शन ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है या फिर ये नॉर्मल है या फिर हार्मफुल है? Protective. ये एक प्रकार का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन है, नाम ही रखा है रिफ्लेक्स एक्शन, अचानक से ऐसा होता है। जब एल्वियोलाई फटने वाले होती है उससे पहले स्टेज प्रोटेक्टिव होते हैं, डीआरजी कमर्शियल व्यवस्था है, डीआरजी स्पेशल रोकता है। दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, खत्म हो गया। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम नोट्स पे चलते हैं, एक एक पॉइंट नोट से भी बता देंगे। कोई डाउट है? नो सर। आ जाओ नोट्स पे। तो ये देखो, अभी मैं बता रहा था केमिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, मतलब केमिकल रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर। तो ये देखो, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर पेरिफेरल सीएनएस में मिलेगा या आउटसाइड द सीएनएस मिलेगा, इसको जो यहाँ पे पॉन्स के चारों ओर मिलता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दीज आर फाउंड, एक मिनट रुक जाओ। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर का जो ये है, लोकेशन गलत बता दिया मैंने, रुक जा एक मिनट, बाकी सब सही है। बस ये लाल वाला जो घेरा है ना, इस घेरा को यहां लगाओ, डीआरजी वीआरजी के चारों ओर है वो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, ना कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर के चारों ओर। एक्चुअल में क्या है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर को इंपल्स आता है यहां से, यहां से। तो जब ये एच प्लस सेंस कर लेगा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, तो वो मैसेज भेजेगा किसको? न्यूमोटैक्सिक सेंटर को, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर किसको बोलेगा? डीआरजी को। इस तरीके से चलता है, क्लियर? बस ये कीमोसेंसिटिव एरिया का लोकेशन गलत हो गया था, लोकेशन सही कर लेना। न्यूमोटैक्सिक सेंटर के चारों ओर नहीं है वो डीआरजी वीआरजी के चारों ओर है, ठीक है। हाँ, तो देखो क्या है कि वो डीआरजी वीआरजी के चारों ओर है, और वो क्या करता है, कहां पे? नियर द डीआरजी वीआरजी कॉलेज कीमोसेंसिटिव एरिया, वो हाई एच प्लस और हाई सीओ टू कंसेंट्रेशन को रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करके वो किसको बताता है? ये बात वो बताता है किसको? न्यूमोटैक्सिक सेंटर को। न्यूमोटैक्सिक सेंटर डीआरजी को बोलता है कि रे डीआरजी तुम इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन को घटा दो, और वो घटा लेता है, ओवरऑल ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। ये तो वो किसका? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। अब आते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल में कौन है भाई कीमो रिसेप्टर? कैरोटिड बॉडी, एओर्टिक बॉडी। दिख गया? कैरोटिड बॉडी दो है, एओर्टिक बॉडी एक है। कैरोटिड बॉडी एओर्टिक बॉडी सेंस करता है किसको? ये लो ओ2 को भी सेंस करता है और हाई सीओ2 एच प्लस कंसेंट्रेशन को भी सेंस करता है। सेंस करके डायरेक्ट डीआरजी को बोलता है, और डीआरजी डायफ्राम और ये एसीएम को मैसेज जो भेज रहा है, इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन घटा देता है फास्ट इंपल्स भेज के, और ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। अब आते हैं हियरिंग ब्रर रिफ्लेक्स पे। व्हेन एल्वियोलाई एक्सेस फील्ड भी तैयार, तो एल्वियोलाई एक्सपांड करेगा, एल्वियोलाई की वॉल स्ट्रेच होगी। तो होता क्या है कि जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है, नॉट ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल सही कर लेना, टर्मिनल ब्रोंकियोल जो है और जो एट्रिया लास्ट में जो एट्रिया टर्मिनल ब्रोंकियोल है उसमें लगे होते हैं रिसेप्टर। एल्वियोलाई में भी होता है ना, ठीक है, उसमें लगे होते हैं स्ट्रेस रिसेप्टर, और वो स्ट्रेस रिसेप्टर क्या करते हैं? मैसेज भेजते हैं डायरेक्ट डीआरजी को, कट ऑफ सिग्नल्स, और से डीआरजी इंपल्स भेजना रोक देता है या एसीएम और रेडियल मसल को, और इंस्पिरेशन जो एक्सेस हुआ है वो एयर फिर बाहर होता है एक्सपिरेशन से। दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, और वो सवाल क्या है? जब आप जानबूझ के सांस रोके हुए तो उस समय क्या हो रहा होता है? एक बार बताओ, जब आप जानबूझ के सांस रोके तो बॉडी में CO2 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और O2 घट रहा है कि नहीं घट रहा है? इस बात को पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर भी पहचान लेगा, और इस बात को सेंट्रल कीमो रिसेप्टर भी पहचान लेगा। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर शिकायत करेगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर से, न्यूमोटैक्सिक सेंटर डीआरजी को बोलेगा, भाई डीआरजी क्या कर रहे हो यार, मैसेज भेजो डायफ्राम और ये एसीएम को, और इंस्पायरेशन करवाओ, इंस्पायरेशन रोक के क्यों रखे हो? इधर कैरोटिड बॉडी एओर्टिक बॉडी डायरेक्ट डीआरजी को बोलेगा, इंस्पायरेशन को कीजिए ना, इधर बॉडी में CO2 भर रहा है। डीआरजी बोलेगा कि आप लोग के बोलने से पहले ही मैं मैसेज भेज रहा हूँ डायफ्राम या एसीएम को,
मैं भेज रहा हूँ मैसेज, ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूँ, मैं भेज रहा हूँ मैसेज, तो फिर पता चलेगा कि भाई ये डायफ्राम-ईआईएसएम को जब मैसेज भेजा जा रहा है तो फिर डायफ्राम-ईआईएसएम कॉन्ट्रैक्ट का नहीं हो रहा, नहीं होगा, क्योंकि आपने वॉलंटरली सेरेब्रम को यूज करके डायफ्राम-ईआईएसएम को ये बोल के रखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट मत होना। जब आप सांस रोकते हो ना तो यही होता है, सेरेब्रम डायफ्राम-ईआईएसएम को बोलता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट मत होना। लेकिन ये जो आपका वॉलंटरी कंट्रोल है डायफ्राम और ईएसएम पे सांस रोकने वाला, ये बहुत सेकंड, बहुत लंबे समय के लिए नहीं हो सकता है। जितने सेकंड के लिए होगा उस समय डीआरजी का जो मैसेज आ रहा है डायफ्राम ईएसएम को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, वो मैसेज दब जा रहा है, वो मैसेज हिडन हो जा रहा है। किस मैसेज से? जो सेरेब्रम से मैसेज आ रहा है डायफ्राम ईएसएम को कि तुमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना है। लेकिन थोड़े समय के बाद ये सेरेब्रम का मैसेज फीका पड़ जाएगा डायफ्राम और सॉरी डीआरजी के मैसेज पे। क्यों? डीआरजी को जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर उधर से बोलेगा और इधर से पेरिफेरल केमर सेक्टर बोलेगा डायरेक्ट, तो डीआरजी गुस्सा आ जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग इंपल्स भेजना शुरू करेगा, और थोड़ी देर के बाद वो जो आप सांस रोके हैं वो इनवॉलंटरी वो टूट जाएगा और आपको सांस लेना पड़ जाएगा। ऐसा होता है जब आप जानबूझ के सांस रोके होते हैं तब, और ये बात भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप पढ़ लेना, यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके अलावा जो मैंने अभी उधर डायग्राम बनाया था वही डायग्राम इधर यहाँ पे है, सेम डायग्राम है। नर्व का नाम भी याद रखना है, कौन किधर कैसे गया है, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। यहाँ पे जाके आपका रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग समाप्त होता है। ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेना, ये सारे पॉइंट्स जो पढ़ाए हुए वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। आज शाम वाली क्लास में चैप्टर को समाप्त कर देंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ेंगे और कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़ेंगे और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कोई डाउट है? नो सर। चलिए, एनसीईआरटी में रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग पढ़ लेना है।